फ्रेंड्स वेलकम टू माय क्लास आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर सॉल्यूशंस और टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट आर कंसंट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन देम सॉल्यूशंस में मौजूद सॉल्यूट की मकदार के तनासब की बुनियाद पर इनको डाइल्यूट सॉल्यूशंस और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में तकसीम किया जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोस्ट विच कंटेन ऑफ स्माल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हलशुदा सॉल्यूट की मकदार नस्बता कम होती है वेर एज कंसनट्रेट सॉल्यूशंस आर दोस्त विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्यूशन जबकि कंसनट्रेट सल्यूशनस में हलशुदा सल्यूट की मकदार नस्बता ज़्यादा होती है तो स्टूडेंट्स वो बात कर रहा है कि सोल्यूशनस में मौजूद सल्यूट की मकदार के तनासब की बुनियाद पर सोलूशनस को दो तरह के सोल्यूशनस में तकसीम किया जाता है यानी कि डायल्यूट सोलूशनस और कंसनट्रट सोल्यूशनस डायल्यूट सोलूशनस में हलशुदा सोलूट की मकदार नस्बता कम होती है जबकि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में हलशुदा सल्यूट की मकदार नस्बता होती है मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ब्राइन इज अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर ब्राइन पानी में खुर्दनी नमक का एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है यानी कि आम खाने वाला जो नमक है टेबल साल्ट, उसका एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल द दूशन जब हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में सॉलवेंट मज़ीद ऐड करते हैं तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है एंड इट्स कंसनट्रेशन डिक्रीज़ और उस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन कम होती है डिक्रीज होती है मिसाल के तौर पर हमारे पास दो तरह के यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं सोल्यूशन वन है सोल्यूशन वन में हमारे पास हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब है वाटर यानी कि सॉल्वेंट हमारे पास हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब है जबकि सल्यूट है टेन ग्राम यानी कि साल्ट 10 ग्राम है और वाटर है हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन टू है हमारे पास सोल्यूशन टू में हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब है वाटर यानी कि वाटर सेम है दोनों में सोल्यूशन वन में भी हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब है और सोल्यूशन टू में भी हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब है दोनों में सॉल्वेंट की मकदार बराबर है लेकिन सोल्यूशन टू में सोल्यूट की मकदार ज़्यादा है टेंटी ग्राम है तो सोल्यूशन वन और सोल्यूशन टू में से कौन सा डायल्यूट होगा कौन सा सोल्यूशन कंसनट्रेट होगा देखिए सोल्यूशन वन में सॉल्वेंट हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन टू में भी सॉल्वेंट हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब लेकिन सोल्यूशन वन में सोल्यूट टेन ग्राम है जबकि सोल्यूशन टू में सोल्यूट ट्वेंटी ग्राम है तो सोल्यूशन टू में सोल्यूशन वन की नस्बत सोल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है इस वजह से सोल्यूशन टू होगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और सोल्यूशन वन होगा डायल्यूट सोल्यूशन क्योंकि सोल्यूशन वन में निस्बतन हलशुदा साल्ट कम है और सोल्यूशन टू में निस्बतन हलशुदा साल्ट ज्यादा है तो स्टूडेंट्स आज हमने डायल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में बात की डायल्यूट सोल्यूशन में हलशुदा सोल्यूट की मिकदार निस्बतन कम होती है जबकि कंसनट्रेट सोल्यूशन में हलशुदा सोल्यूट की मकदार नस्बता ज्यादा होती है आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंशियट बिटवीन डायलूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन डायल्यूट और कंसनट्रेट सोल्यूशन में डिफ्रेंशियट करना है तो डायल्यूट सोल्यूशन में हलशुदा सोल्यूट की मकदार नस्बता कम होती है जबकि कंसनट्रेट सोल्यूशन में हलशुदा सोल्यूट की मकदार नस्बता ज्यादा होती है आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है आज हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन की है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की है फिर हमने एग्जाम्पल की है कि ब्राइन एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कॉमन साल्ट का वाटर में और फिर मैंने आपको दो सोल्यूशन की एग्जाम्पल दी है सोल्यूशन वन और सोल्यूशन टू आपने इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है थैंक यू स्टूडेंट्स